ये तस्वीरें आ रही है इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की स्पष्ट जनादेश के साथ, मतलब क्लियर मैंडेट है ये, 46 है जादुई आंकड़ा 48 के साथ और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ वहां पर मुझे लगता है कि वहां पर अलग अलग तरीके से साज सज्जा के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस जीत के साथ और जय श्री राम के नारे वहां पर लग रहे हैं। प्रधानमंत्री के नजरिए से अगर आप देखिए तो हरियाणा में लगातार इस तरह के प्रेडिक्शन थे कि वहां पर बीजेपी के लिए बहुत कड़ी मुश्किल रहेगी। कई मुद्दों पर बीजेपी घिर रही थी, विपक्ष घिर रहा था, 10 लोकसभा सीट जो लगातार बीजेपी दो बार से जीत रही थी वो 5-5 पर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कर दिया था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का वोटर निकला, बीजेपी के कार्यकर्ता कार्डर ने वहां पर मेहनत की और जो स्ट्रैटेजी के साथ पार्टी चली उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखें तो जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, दलितों को भी दो हिस्से में करके जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उनको लगभग 9 टिकट इस बार बीजेपी ने दिए हैं, जबकि 8 टिकट दिए जो शेड्यूल कास्ट में भी जाटव या अन्य समुदाय से आते हैं। वो स्ट्रैटेजी काम कर गई, उनमें से 8 की जीत हुई है। और अगर हम आपको जल्दी से कुछ आंकड़े बता दें, बहुत दिलचस्प है क्योंकि 52 सवर्ण जो इस बार जीते हैं उसमें से 27 बीजेपी के, कांग्रेस के 20 है। लेकिन ओबीसी में लगता है कि बीजेपी की पैठ फिर से बन रही है। 16 सीटें जिसमें ओबीसी विजेता है उसमें से 13 सीटें बीजेपी की झोली में आई और सिर्फ 3 कांग्रेस में। दलितों में अगर आप देखें तो 8 बीजेपी, 9 कांग्रेस। तो कुल मिलाकर जिस स्ट्रैटेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में आगे बढ़े वो जीत उनको मिली है। और देखिए यहाँ से भी महाराष्ट्र और झारखंड का जिक्र शुरू हो गया है मंच से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करके आते हैं और पीएम के लिए बड़ा दिन क्योंकि कार्यकर्ताओं का जोश बहुत रहता है और उसी के बीच पीएम मंच की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जो उनसे मिलना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशी का दिन है, कार्यकर्ताओं के लिए। और महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के भी वहां पर जयकारे लग रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर टोन सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में उसी मंच पर पहुंच जाएंगे जहां से वो उनका संबोधन जिनको सुनने के लिए वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है। पहले दिल्ली, सभी के लिए बड़ा दिन है। झारखंड फिर महाराष्ट्र, देखिए तैयार है, दिल्ली झारखंड और महाराष्ट्र। जीत हमारी है, हरियाणा की जीत हमारी है। विनोद तावड़े वहां पर जयकारे लगवा रहे हैं और नारे एक से एक दे रहे हैं, मुझे लगता है सुन लेना चाहिए। एक बार दिल्ली बोलना है, एक बार झारखंड, एक बार महाराष्ट्र। जो दिल्ली बोलेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। हरियाणा की जीत हमारी है, हरियाणा की जीत हमारी है, हरियाणा की जीत हमारी है। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी विकास करो, मोदी जी विकास करो, देश तुम्हारे साथ। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी नैरेटिव को अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर गाना बज रहा था देश नहीं झुकने दूंगा, जो प्रधानमंत्री का एक बहुत ही मशहूर भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम मुश्किलें झेल लूंगा लेकिन देश नहीं झुकने दूंगा, वो गाना बज रहा था। फिर हरियाणा की जीत हमारी है, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी विकास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और झारखंड महाराष्ट्र दिल्ली सबका नारा एक साथ। तो अगर आप इसको पैन करके देखें तो देशभक्ति यानी राष्ट्रवाद का भी तड़का लग रहा है, जय श्री राम का नारा भी लग रहा है, हरियाणा की जीत पर जो भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाती है उसके जरिए एक संदेश भी देती है और वो संदेश बड़ा है। संदेश ये है कि हरियाणा की जीत हमारी है, हरियाणा की जनता ने हमें ये जीत दी है और जय श्री राम का भी नारा यहाँ मंच से लग रहा है। याद रखिए उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचते हुए और ये देखिए सामने मौजूद कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा है जिनके लिए
बहुत बड़ी खुशी का लम्हा होता है इस तरह की जीत के बाद प्रधानमंत्री को देखने का, क्योंकि ये बीजेपी के लिए वो नेता है जिन्होंने एक के बाद एक लगातार कई सारी जीत दिलाई है और ये सुनिश्चित किया है कि जिस राजनीति, जिस रणनीति, जिस तरीके से, जिस नैरेटिव के साथ बीजेपी चुनावों में जाए, वो जीत की तरफ पूरी ताकत झोंक दे। और उस ताकत को झोंकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी में। और 2014 से लेकर अब तक, और आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लगातार गुजरात से ही अगर आप देख लें तो 2002 के बाद कोई हरा नहीं सका है। इस बार तीसरी बार अगर केंद्र में सरकार बनी है तो एक रिकॉर्ड हरियाणा में बीजेपी ने तोड़ा है, जहां तीसरी बार वो पुनः सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। पीएम अब से कुछ ही देर में अपनी बात कहेंगे और देखिए विनोद तावड़े जी उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मंच पर आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां पर ढोल नगाड़ों से भी, और इसी के साथ साथ वहां पर मौजूद हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपनी जगह पर खड़ा भी हो गया है और मोबाइल भी हाथ में सामने आ गया है ताकि वो इस ऐतिहासिक लम्हे को अपने मोबाइल से शूट कर सके। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी जीत, और इस जीत पर आज उनका स्वागत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर हरियाणा की जो यहाँ पर चुनाव था वो एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में 10-0 से लगातार दो बार जीतने के बाद 5-5 से बराबरी हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर सेंध लगाई थी। ये बड़ा चैलेंज माना जा रहा था विधानसभा चुनाव में। तमाम एग्जिट पोल्स ये इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर साफ जनादेश लाएगी और बड़ी जीत हासिल करेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आज मतपेटियां खुलने लगी उसके बाद मामला पूरी तरह से पलट गया और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस मायने में भी कि तीसरी बार लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मुझे लगता है अब से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, एक एक करके कुछ नेताओं का संबोधन होगा जिसमें बीजेपी अध्यक्ष और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन आज इस मंच से होगा। पीएम हल्के मूड में, अंदाज में बात करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, भारत माता के जयकारे लग रहे हैं इस वक्त, विनोद तावड़े ये नारे लगवा रहे हैं और सबसे अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब अपनी जगह पर बैठ जाएं। और कुछ ही देर में अब देखिए ये जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये बीजेपी की कोशिश भी रहती है हर जीत के बाद वो इस तरह का बहुत बड़ा आयोजन बीजेपी दफ्तर में करते हैं। इससे तीन बातें संदेश के तौर पर कार्यकर्ताओं में जाती है। एक, पीएम उनके काम के लिए जो अपनी जिंदगी वो पार्टी के लिए झोंकते हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को। दूसरा, एक शक्ति प्रदर्शन भी ये होता है।